कुशवाहा संजीव कुमार के दाह संस्कार में हुए शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की दिया आश्वासन। मनरेगा कर्मी संजीव कुमार साह की निरीक्षण हत्या के बाद गुरुवार की सुबह सांसद संतोष कुशवाहा संजीव के दाह संस्कार में शामिल हुए। दाह संस्कार स्थल पर मौजूद SDPO पुष्कर कुमार से घटना की विस्तृत जानकारी ली तथा जल्द से जल्द मामले की जांच कर हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए कहा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत कर हत्यारे की गिरफ्तारी बाद स्पीडी ट्रायल चलाने का आग्रह किया। सांसद ने मृत संजीव के पार्थिव शरीर को नमन कर उपस्थित शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। सांसद ने कहा, इस तरह की हत्या मन को विचलित कर देती है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इस घटना से मैं मर्माहत हूँ। सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। हत्या की वजह चाहे जो भी रही हो, हत्यारे की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। हत्यारे के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, जदयू प्रदेश महासचिव अविनाश सिंह, मोहम्मद सालिक, नगर पंचायत पार्षद प्रतिनिधि निर्भय सिंह, उप मुख्य पार्षद सतीश कुमार सिंह, पूर्व जीप सदस्य सुनील मेहता, पूर्व मुखिया विजय प्रकाश गौतम, राजेश पाठक, राजेश यादव, राम कुमार सिंह, वीरू मेहता, राजेश राय, राजेश गोस्वामी आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। और हत्या दुखद है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, अपराधी बचेगा नहीं और अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे और कानूनी कार्रवाई उस पर होगा। और आज से ही पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक और तमाम पुलिस के आला अधिकारी लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द परिणाम सामने दिखेगा और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग कराएंगे और पुलिस अधीक्षक से भी कह के इस पे SPD ट्रायल करा के अपराधी जब पकड़े जाएंगे तो उस पे उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। इसमें सांसद जी जो भी पुलिस पदाधिकारी से जो भी बात किए, संतोषजनक बात किए और ऐसा होना भी चाहिए। सांसद जी का कहना हुआ, जो भी दोषी हैं वो 24 घंटे के अंदर जो है पकड़ाए और उस पे कड़ी से कड़ाई कार्रवाई हो। अभी तक क्या निकल के आया, हत्या का कारण क्या? हत्या का कारण तो हम लोगों को जैसे अभी सुनी सुनाई हुई बात हम बोल रहे हैं, जैसे हम लोगों को पता चला है कि इसका जो है अमोर में ऑफिस से ही कोई रंजिश है। दो दिन पहले जो है कि वाद विवाद हुआ था किसी से, मोबाइले पर हॉट टॉक हुआ है जिसका जो है कि पुलिस पदाधिकारी CDR निकाल रहा है। CDR निकलने के बाद सारा मामला सामने आ जाएंगे और उस पर कार्रवाई। हम लोगों का भी राय है दोषी बख्शे नहीं जाए, उस पर जितना कार्रवाई हो कार्रवाई ही हम लोगों को संतुष्ट कर सकेगा। पुलिस को शक्ति कम हो गई तो उसके लिए बड़ी पदाधिकारी से बात किया जाएगा। जिस तरह आप देखे वैशाली में, वैशाली वाला सिस्टम को जो है कि हम लोगों के यहाँ भी जो है दिखाई देना चाहिए। वैशाली वाला जो वैशाली पुलिस पदाधिकारी को मारा गया और वो भी जो है एनकाउंटर कर दिया, कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का शासन कमजोर पड़ रहा है। कमजोर नहीं पड़े, उसका विधि व्यवस्था जो है लापरवाही के तरह जो है कि जी रहा है, लापरवाही की तरह कर रहा है। उनका विधि व्यवस्था पर सरकार तक हम लोग जो है ये बात को पहुंचाएंगे और इनके लिए जो है हम लोग अगर 24 घंटा में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जो है कि हम लोग अपना सिस्टम में आ जाएंगे और अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार को सुनाएंगे और माननीय सांसद जी भी सरकार से भी बात करेंगे, SP साहब से भी बात करेंगे, DGP से बात करेंगे, IG से बात करेंगे। जितना कार्रवाई होगा वही कार्रवाई हम लोगों को चंपानगर को संतुष्ट करेगा। क्या परिचय? सुनील कुमार मेहता, पूर्व जिला पार्षद के नगर चंपानगर। हत्या को लेकर के पहले तो जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम। इस व्यक्ति को हम आज 10 वर्ष से हम जान रहे हैं और इनको किसी से ना झगड़ा होता था ना कुछ। अब भगवान जाने इसकी हत्या किस कारण से किया गया है और प्रशासन से चाहेंगे कि 24 घंटा के अंदर हत्यारे को पकड़े। विधायक जी हमारे अभी पटना में हैं, जानकारी उनको दे दिया गया है और विधायक जी हमको बोले कि जाकर के वहाँ पर आप देखिए और हमको सूचना दीजिए। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अब साजिश कुछ अभी सुन रहे हैं कि कुछ ज़मीन की मामला है, कुछ और किसी आदमी से अनमन में हुआ है और पुलिस बोला है कि कुछ मिला है,
बातचीत हुई DSP साहब से, बोला कि हत्यारे को 24 घंटा पकड़ लिया जाएगा। बनमनखी ग्रामीण मंडल